बॉलीवुड में आपने कई तरह की कैट फाइट्स देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी फाइट भी हो चुकी है। ये फाइट हुई है विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के बीच में। आपको बता दें कि सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच में ये बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों ही इंडस्ट्री में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से प्यार करते थे। इनका लव ट्रायंगल भी खूब ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ऐश्वर्या राय और सलमान का ब्रेकअप हो गया। इस बीच विवेक ने कई बार समझाना चाहा ऐश्वर्या को भी और सलमान को भी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सलमान के जाने के बाद विवेक और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ने लगी थी, जो बात सलमान को बर्दाश्त नहीं हुई। और इसी को लेकर के सलमान खान एक रात विवेक ओबेरॉय को लगभग 41 कॉल कर दिए और विवेक को भद्दी भद्दी गालियां तक दे डाली। इसके बाद जब विवेक ने ऐश्वर्या को ये बताया और अपने कुछ करीबियों को बताया तो सबने विवेक को सलाह दी कि वो सलमान खान को एक्सपोज कर दे। सबकी बातों में आकर सलमान को एक्सपोज करने का मन विवेक ने बनाया। 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सबके बारे में ये बताया कि किस तरीके से लोगों ने उन्हें उकसाया। लोगों ने कहा कि सलमान को एक्सपोज किया जाए, लेकिन सलमान को एक्सपोज करने का दुख उन्हें काफी है, क्योंकि सलमान और ऐश्वर्या की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि विवेक की जिंदगी रुक गई। ये सारा दर्द विवेक ओबेरॉय ने साल 2009 में खोलकर रख दिया था। जी हाँ, और तब उन्होंने अपने दिल में दबी इन सभी बातों के बारे में बताया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कौन जिम्मेदार था इस बारे में भी उन्होंने खुलासा कर दिया। विवेक ओबेरॉय ने बिना किसी का नाम लिए ऐश्वर्या की तरफ रिएक्शन करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग थे जो मेरे नजदीक ही थे, जिन्होंने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उकसाया। इनफैक्ट अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स को लेकर भी विवेक ने कहा कि जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी उन्होंने, तब तक इन लोगों ने उनका सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सभी ने उनसे किनारा कर लिया। जोश जोश में आकर और सबकी बातों में आकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन जब बात हाथों से निकल गई, इंडस्ट्री सलमान के सपोर्ट में आ गई, तो विवेक को पता चला कि गड़बड़ हो चुकी है। और वो लोग जो विवेक को कह रहे थे कि तुम सही कर रहे हो या सब कुछ सही हो जाएगा, ये तुम्हारा शॉट सही लगेगा, वो लोग कहीं खिसक कर चले गए और उन्होंने कभी भी विवेक का साथ नहीं दिया और ना ही विवेक के साथ मीडिया के सामने आए। वाला आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने अपने इस दुख को जाहिर किया फरहा खान के सामने। शाहरुख खान के शो में पहुंचे थे विवेक ओबेरॉय साल 2009 में, तब उन्होंने ऐश्वर्या के लिए कहा था बिना नाम लिए ही कि वो अपने ही थे जिन्होंने मुझे इस बात के लिए उकसाया। फिर फरहा खान ने विवेक ओबेरॉय से पूछा कि जिनके लिए तुमने ये कदम उठाया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पंगा लिया सलमान खान से, उन लोगों ने तो तुम्हें थैंक्स कहा होगा। तो विवेक ओबेरॉय का जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। और तो और सभी लोग पलट गए ये कहते हुए कि बहुत ही बचकानी हरकत की थी तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है ये बात विवेक ओबेरॉय ने ऐश्वर्या के लिए ही कही थी और यही गुस्सा था विवेक ओबेरॉय का जो उन्होंने इस दौरान इंटरव्यू में निकाला और उन्होंने बिना नाम लिए ही ऐश्वर्या को प्लास्टिक वाले स्माइल और प्लास्टिक की दिल वाली लड़की तक कह डाला था। विवेक ओबेरॉय ने इस दौरान ये भी कहा कि मुझे रिग्रेट है कि उस वक्त मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, कुछ ना बिगड़ा होता और मैं एक बेस्ट एक्टर होता, मेरी जिंदगी में काफी कुछ नया होता। पहले आपको बता दें कि जहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन का हाथ थामा, तो वहीं सलमान को भी एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी थी। वेल, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी सलमान खान को लेकर कई बार खुलासे किए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये बात साफ नहीं की कि उनका ब्रेकअप आखिर कैसे हुआ। वेल, कई बार ऐश्वर्या राय बच्चन और विवेक ओबेरॉय को एक साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। दोनों ना तो कभी किसी अवार्ड फंक्शन में सामने आए और ना ही किसी फिल्म में एक दूसरे के साथ नजर आए। लेकिन 2011 में एक मौका आया था जब विवेक और ऐश्वर्या राय का आमना सामना हो सकता था। मिस इंडिया कॉम्पिटिशन का इवेंट था, लेकिन इस दौरान ऐश्वर्या राय ने कुछ ऐसा किया कि वो विवेक का सामना ही ना करे। इस दौरान दोनों को इस इवेंट में परफॉर्म करना था, लेकिन ऐश्वर्या को जैसे ही पता चला कि इवेंट में विवेक भी आने वाला है, तो ऐश्वर्या ने अपनी परफॉर्मेंस को प्री शूट कर लिया और वो इवेंट शुरू होने से पहले ही वहां से निकल गई। बाद में विवेक ओबेरॉय पहुंचे और इस तरीके से ऐश्वर्या सालों बाद भी विवेक को अवॉइड करने में सफल रही थी। वह आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक ऐश्वर्या और विवेक को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया, ना ही उन्होंने कभी एक दूसरे को लेकर किसी भी बात को शेयर किया है। वेल दोस्तों, इंडस्ट्री में विवेक ओबेरॉय ने अपनी इस गलती को माना कि उन्हें सलमान खान के अगेंस्ट इस तरीके से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।